जय श्री कृष्ण बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज आप पढ़ रहे हैं पाठ 5 दशहरा। पूर्व में इसके 3 वीडियो में आपको भेज चुकी हूँ, ये आपका इसका चौथा वीडियो है दशहरा पाठ का। और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जब रावण का पुतला जलाया जाता है, उसके पास का 2 पुतले और होते हैं, मेघनाथ और कुंभकर्ण के। और बांस की कपच्चियों से बनाया जाता है रंगीन कागज, उसको लगाया जाता है और उसके अंदर पटाखे भी भरे जाते हैं। अब इस दिन क्या होता है, कई जगह गाँव में जुलूस भी निकाले जाते हैं। और जुलूस का मतलब आप पूछोगे जुलूस क्या, जुलूस वो जो झांकी निकलती है जिसमें सुंदर सुंदर राम जी, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी सब बनके वानर सेना होती है, फिर ट्रक में बैठा के उनकी झांकी निकाली जाती है, उसे क्या कहते हैं जुलूस। तो जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना की झांकियाँ सजी होती है। उस जुलूस में राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और उनकी वानर सेना की झांकी होती है। और यह जुलूस मुख्य मार्ग से होता हुआ मैदान में पहुंचता है। पहले मुख्य मार्ग से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, मैदान में। कौन सा मैदान, रामलीला मैदान, जहाँ पे उनको कुंभकर्ण के पुतले को, रावण के पुतले को जलाया जाता है, उस मैदान में पहुंचता है। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त किसे कहेंगे, सूर्यास्त मतलब जब सूर्य अस्त होता है। सुबह सुबह बच्चों क्या होता है, सुबह सुबह सूर्य आता है तो हम कहते हैं सूर्य उदय हुआ, और शाम होने लगती है तो सूर्य वापस अस्त होने लगते हैं। तो शाम का समय को हम कहते हैं सूर्यास्त। सूर्यास्त के समय राम द्वारा रावण व कुंभकर्ण के पुतलों को तथा लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाता है। जो रावण का और कुंभकर्ण का पुतला होता है उसे तो कौन जलाते हैं, श्री राम जलाते हैं, और जो मेघनाथ का पुतला है उसको कौन जलाते हैं, उनको लक्ष्मण जी जलाते हैं। ये पुतले धू-धू करके जलने लगते हैं, इनमें इसमें भरे पटाखे छूटने लगते हैं। जो पुतलों के अंदर पटाखे होते हैं, जैसे ही उसमें आग पकड़ती है सारे पटाखे फूटने लगते हैं और वो धू-धू करके पुतले जलने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। जब सब लोग ये देखते हैं कि रावण का पुतला जल गया है, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जल गया है, तो सब राजा रामचंद्र की जय बोलते हैं और उद्घोष यानी घोषणा करते हैं। राजा रामचंद्र जी की जय बोलते हैं और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं यानी अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। इस प्रकार ये त्योहार अन्याय पर न्याय की, किस पर, अन्याय, अन्याय यानी रावण ने अन्याय किया था, सीता जी की पत्नी का हरण किया था, तो अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की, यानी असत्य किसको बोलते हैं, झूठ को, और सत्य यानी सच, तो झूठ पर जो सच की विजय होती है, और अधर्म पर धर्म की, अधर्म यानी गलत कार्य, धर्म के विरुद्ध कार्य करना, धर्म के विरुद्ध कार्य करने को क्या कहते हैं, अधर्म, अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर, प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष, तो अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ हो जाती है। दृढ़ हो जाना यानी पक्की हो जाना, हमारे बात में यह मन दृढ़, मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी रावण ने का बुराई में आने वाली पीढ़ी, अब जो भी पीढ़ी आएगी वो क्या करेगी, रावण को, रावण के कार्य को याद करेगी। अत्याचारी जो रावण था उसने क्या किया था, उसने राम जी की पत्नी का हरण किया था, तो राम जी, अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष ऐसे देखकर हमारे मन में ये बात दृढ़ जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है, वरन आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनके कुकृत्यों को कभी क्षमा नहीं करती। जब हम उसके पुतले को जलते हुए देखते हैं तब हमारे मन में क्या विचार आता है कि अत्याचारी का हमेशा अंत बुरा ही होता है। अंत तो उसका बुरा हुआ ही रावण का, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उनके कुकृत्यों यानी कुकृत्य किसे कहेंगे, बुरे कार्य, गलत कार्य, उसको कहते हैं कुकृत्य, तो उसको भी क्षमा नहीं करेगी। आज हम लोग हैं तो क्या हम खुश होते रावण से, हम खुश नहीं होते, हमें बुरा लगता है कि रावण ने ऐसा क्यों किया था, तो आज भी हमारा मन उसका, उसके किए गए कार्य को क्षमा नहीं करता है। विजयदशमी मानव जाति का विजय पर्व है। विजयदशमी का त्यौहार क्या है, मानव जाति का विजय पर्व के रूप में हम मनाते हैं। तो आपको इस पाठ से क्या सीखने को मिला, एक तो आपने दशहरे के बारे में जाना कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं, और दूसरा कि दशहरे के मनाने के पीछे उसका कारण क्या है, कारण
अन्याय पर न्याय की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में हम दशहरे के त्योहार को मनाते हैं। और इससे आपको ये भी सीखने को मिलती है कि हमें भी कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई भी गलत कार्य करते हैं तो उसके परिणाम बुरे होते हैं और आगे आने वाले समय में उसको कोई भी क्षमा नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।